भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियमित किया जाए। इसके साथ ही जिन संविदा कर्मचारियों को हटाया गया है उन्हें वापस लिया जाए। पिछले करीब 6 दिनों से हड़ताल पर बैठे ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपना परिवार छोड़कर राजधानी में हक मांगने आए हैं। कुछ लोग तो अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ भी बैठे हैं, और हड़ताल इनका शौक नहीं, मजबूरी है। कोरोना काल में समाज को बचाने की जिम्मेदारी सरकार ने इन्हीं स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी थी, तब इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई थी। खुद की जान जोखिम में डालकर इन्होंने समाज हित में काम किया, लेकिन अब समय बीत जाने के बाद इनका दर्द सरकार को दिखाई नहीं देता, जिसके चलते ये अब मजबूरी में हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का दर्द उनकी आंखों में भी देखने को मिला। संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, आंदोलन पे हैं। भोपाल में इस समय जेपी हॉस्पिटल में कई जिलों से लोग इकट्ठा हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी। हम उससे बात करेंगे, क्या मांगे हैं, क्या नाम है आपका, पहले बताइए। मैं डॉक्टर सुनील यादव। क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, लगभग NHM से 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, लगातार 24 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से है निवेदन किया है कि हमारे जितने भी कैडर हैं और CHO सहित भी, इनको नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ही संकल्प है। उन्होंने जब 2018 में कहा था कि शोषण की ये अन्याय की व्यवस्था है, इसको मुक्त कर देना चाहिए, संविदा को नियमितीकरण देना चाहिए, तो संविदा को नियमितीकरण की हम मांग कर रहे हैं। दूसरा, हमारे सोर्सेज साथी हैं जो सपोर्ट स्टाफ हैं, उनके NHM में वापसी किया जाए और निष्कासन साथियों की बहाली की जाए। ये हमारी दो मांग रखी हैं और लगातार हम हर प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्म किया है। हमने जब जब बैठक के लिए बुलाया तब भी गए हैं, लेकिन आखिर हम कब तक दंश झेलते रहें? हम वो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में 24 घंटे सेवाएं दी हैं, हमारे कई साथियों को खोया भी है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को सुनवाई नहीं होती है। आखिर हम कब जाएं, किस प्लेटफॉर्म पर बात करें? जब जब चुनाव आता है तब तब हमें आश्वासन दिया जाता है कि आप इस बार अगले चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद नियमितीकरण कर दिया जाएगा। आखिर कहाँ जाएं? हम भी जनता के दर्द को, परेशानियों को समझते हैं। हम किसी भी व्यक्ति की, जो मरीज है, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की है। उनको जल्दी से सुन के नियमितीकरण का तोहफा मध्य प्रदेश समुदाय स्वास्थ्य कर्मचारी को देना चाहिए, समस्त समुदायों को नियमित करना चाहिए। कोरोना का एक भयावह समय आया था जब यही स्वास्थ्य कर्मचारी थे जिन्होंने उस आपातकाल स्थिति में सरकार का साथ दिया, लोगों को देखा, और कोरोना काल के समय के बाद से इन कर्मचारियों की मांगे उनको नहीं पूरा किया जा रहा। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे, कितना जल्दी पूरा हो? मुझे सिर्फ और सिर्फ रेगुलर होना चाहिए, और जितने भी निष्कासित कर्मचारी हैं उनको भी लिया जाए, सरकार ले, और हम लोग को सब नियमितीकरण ही चाहिए, बस नियमितीकरण ही चाहिए। अच्छा, नियमितीकरण की मांग को लेकर के और क्या डिमांड है आपकी, कहाँ से आई हैं आप? मैं बैतूल ज़िले से हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अंकिता वरवड़े, और मध्य प्रदेश के समस्त 32,000 कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है कि सभी को नियमितीकरण चाहिए। अब आश्वासन से हम पीछे नहीं लौटेंगे, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। सरकार ने आश्वासन दिया, पिछली बार वादा किया था कि नियमितीकरण किया जाएगा, वादे से मुखर रही क्या सरकार? पिछले 2018 में 42 दिन का हड़ताल की गई थी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा CM घोषणा की गई थी ट्वीट के माध्यम से कि संविदा एक शोषण प्रथा है, इसे मैं जल्द समाप्त करूंगा, लेकिन वो सिर्फ घोषणा बनकर रह गई है। आज कोरोना काल में हम सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर कार्य किया था, जब माननीय नेताओं द्वारा हम सभी पर फूल बरसाए जा रहे थे। आज 7 दिसंबर से चरणबद्ध आंदोलन चला जा रहा था, लेकिन किसी के द्वारा हमारी सुनवाई नहीं की गई। मजबूर होकर मध्य प्रदेश के 32,000 संविदा अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 15 दिसंबर से, आज छठवां दिन है, लेकिन आज दिनांक तक शासन प्रशासन द्वारा कोई मांग का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और हमारी दो प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। प्रथम मांग है कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कुछ हमारे कर्मचारियों को NHM से हटाकर आउटसोर्स ठेका प्रथा में किया गया है, किसी को निष्कासित किया गया है, उनको सभी को वापस लिया जाए। इन्हीं दो मांगों को लेकर हम सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं, और आज हड़ताल के द्वारा आज रेगुलर कर्मचारी भी हमारे साथ में आ गए हैं, जिससे प्रदेश की पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं आने वाले समय में प्रभावित होंगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम निवेदन करते हैं कि हम सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण का तोहफा दिया जाए। अच्छा, स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं वो चरमराई हुई इस समय देखा जाए तो प्रदेश की सब जगह से। अभी हाल ही में खबर आई थी सिंगरौली में प्रसूता का अस्पताल के द्वार पर जो हुआ, प्रसव हुआ है। आपकी किसी मंत्री या संबंधित अधिकारी से बात हुई है इस विषय में कि क्या आगे का क्या कार्यक्रम करने वाले हैं, आपकी मांगों को क्या विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
हम भी ये मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन शासन को हम सूचित कर चुके हैं इस संबंध में, माननीय मंत्री जी संज्ञान लें, अभी ये निवेदन किया है सरकार से जल्द हमारी मांगे मानी जाए, और हम भी नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था में परेशानी हो या स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे सकें। हम वही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो कोई जब कोरोना काल में बाहर नहीं निकलता था तब 24 घंटे हम स्वास्थ्य सेवाएं देते थे। तो हम निश्चित तौर पे किसी भी अपनी आम जनता को अव्यवस्था होने के लिए नहीं चाहते, लेकिन शासन को सूचना देने के बाद शासन के कानों में जू तक नहीं रंग रही है। अगर वो शासन चाहे तो 2-1 घंटे में आंदोलन खत्म करा सकती है। कितने दिन तक और आंदोलन चलेगा अगर मांगे नहीं मानी गई तो? अब ये हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन हो गया कि आखिर जब 24 साल हमारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी साथियों के हो गए, अगर आधा जीवन हमारा निकल चुका है तो हम उन बच्चों का भविष्य को भी खराब नहीं करना चाहेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी संविदा की नौकरी मिले। इसलिए संविदा कलंक को माथे से जब तक नहीं हटेगा तब तक अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा वाले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल ही चलती रहती है। उनकी दो मांगे हैं जो जिनमें उन्होंने नियमितीकरण की मांग की है, और जो उनके कर्मचारियों को जिनको निष्कासित किया गया है उनको वापस लिया जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि सरकार कब तक इन मांगों को पूरा करती है। कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मुख्य दो मांगे हैं जिनमें नियमितीकरण के साथ जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकाला गया है उन्हें वापस लिया जाए। अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विधानसभा घेराव कर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए निकले, वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्हें रोक दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिवराज सरकार ने पिछली बार नियमितीकरण का वादा किया था लेकिन सरकार वादे को भूल गई। जो मैं 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर जॉब में हूँ संविदा की, पर जो हमारी 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 में हम लोग फील्ड वर्क में काम करते हैं जिसमें हम लोग को 3,000 तो हमारा पर डे जाने आने में ही लग जाता है, तो हम लोग इतने में अपने बच्चों और अपना खुद का कैसे मैनेजमेंट करें। हमारा खुद का ही मैनेजमेंट नहीं, मुझे शासन से या किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन हर एक व्यक्ति जब आप लोगों के एक दिन का सिर्फ 10,000 रुपये खर्च होता है तो क्या हम NMO का क्या तो एक महीने में 10,000 में हमारा मैनेजमेंट हो जाता होगा क्या? बस सिर्फ इतना ही हमारी इच्छा है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमारी इस समस्या को समझे, हमारी इस दुविधा को समझे। सर अब हम लोग यदि नहीं करेंगे तो अनिश्चितकाल हड़ताल में रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम हड़ताल में रहेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं